अस्सलाम वालेकुम जी, आज का लेक्चर हमारे पास है डिफ्रेक्शन बाय अ सर्कुलर अपर्चर। ठीक है, इसमें फिर आगे हम देखेंगे रिजॉल्वेबिलिटी और रेली क्राइटेरिया देखेंगे कि क्या होता है। तो जनाब, इससे पिछला लेक्चर जो हमारे पास था वो हमने देखा कि डिफ्रेक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट, फिर हमने उसकी इंटेंसिटी भी देखी। तो आज हम अभी सिंगल स्लिट पे ही हैं, मगर अब वो जो सिंगल स्लिट है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, बल्कि वो एक सर्कुलर अपर्चर यानी एक होल के सूरत में कह लो कि आपके पास आ गई है। तो अब देखेंगे कि इससे रिजल्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो लेट्स से हम कहेंगे कि एक लाइट पास करती है थ्रू स्मॉल होल, तो जब वो होल में से गुजर जाती है तो सामने स्क्रीन पे एक डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है। ठीक है, होल में से गुजरने के बाद जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ से जो लाइट जा रही है होल में से पास की, और तो सामने आपके पास सर्कुलर पैटर्न दिख रहा है डिफ्रेक्शन का, ब्राइट डार्क है। तो ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे नैरो स्लिट में था, मगर यहाँ पर रिंग की सूरत में ब्राइट डार्क दिख रहे हैं, जबकि जब आपने सिंगल स्लिट देखा था रेक्टेंगुलर शेप तो वो पैरेलल में था, यानी आपका ब्राइट डार्क पैरेलल में आ रहा था, जबकि यहाँ पे रिंग पैटर्न में आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, जो सेंट्रल स्पॉट है जो ब्राइट होगा आपका, उसको हम एरी डिस्क का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि सर जॉर्ज एरी, जिन्होंने सबसे पहले इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम की कैलकुलेट की थी, फाइंड आउट की थी एक्सप्रेशन, उनको ऑनर करने के लिए ये दिया गया। ठीक है, तो अब एरी डिस्क का नाम आप सुनेंगे तो आपको पता होगा कि सर्कुलर डिफ्रेक्शन में जो सेंट्रल ब्राइट होता है स्पॉट, उसको हम ये नाम दे रहे हैं। लेट्स से आप कहेंगे कि आपका थीटा या आपका वही चीज है, डी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी को इस तरीके से समझाया गया है कि वेव फ्रंट आ रहे थे, प्लेन वेव फ्रंट आपके अपर्चर में से होल में से गुजरने के बाद सामने सेंट्रल स्पॉट एरी डिस्क बन रहा है, फिर आगे आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो जो थीटा एंगल है ये फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा को आप डिफाइन कर रहे हैं। देखिये मिनिमा है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है, तो अब इसे हम वेवलेंथ और डायमीटर के साथ कैसे रिलेट करेंगे? तो आप कहेंगे साइन थीटा 1.22 लैम्डा ओवर डी। ये जो 1.22 आया, ये ज्योमेट्री सर्कुलर होने की वजह से आया। अगर आपको रेक्टेंगुलर स्लिट का रिजल्ट याद हो तो साइन थीटा लैम्डा ओवर डी था सिर्फ, याद है? तो अब वो डी से तरफ कहा गया था, तो लैम्डा डी साइन थीटा आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर वक्त लैम्डा ओवर डी का पैटर्न याद रखना है 1.22 मल्टीपल है ड्यू टू सर्कुलर ज्योमेट्री की वजह से। अब बहुत सारी एप्लीकेशन में ये थीटा इतना स्मॉल हो जाता है कि हम साइन थीटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, सिर्फ साइन थीटा की जगह थीटा ले लेते हैं कि थीटा बराबर है 1.22 लैम्डा ओवर डी की सूरत में। ठीक है, अब आपको यहां से फिक भी समझ आ रही है। अब जो आपके पास, ये तो फर्स्ट आपने मिनिमा देखा ना, फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा। नेक्स्ट डिफ्रेक्शन जो मिनिमा होंगे वो आप लिख सकते हैं साइन थीटा 2 का नाम दे दिया 2.23 लैम्डा ओवर डी, और साइन थीटा 3 3.24 लैम्डा ओवर डी। याद रखने का तरीका आसान है, ये 1.22 है, ये 23 है, ये 24 है। ठीक है, और आपके पास आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में एक आधे में इस्तेमाल होता है। अब ये जो डिफ्रेक्शन हो रही है सर्कुलर अपर्चर की मदद से, ये बहुत सारे आपके डिजिटल कंपोनेंट्स में काम आती है, जैसे माइक्रोस्कोप्स के अंदर, टेलीस्कोप्स के अंदर, कैमरा जहां पे लेंस या मिरर इस्तेमाल हो रहे होते हैं वहां पे डिफ्रेक्शन आपके पास बुनियादी तौर पे हम कहेंगे कि उसका अपर्चर कंट्रोल करके, अपर्चर का साइज कंट्रोल करके हम उसे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे डी इज अ डायमीटर, तो अब आपके पास ये चीज देखते हैं कि कैसे ये चीज अफेक्ट करती है रेजोल्यूशन को। तो रेजोल्यूबिलिटी क्या होती है कि रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की, के दो ऑब्जेक्ट जो करीब करीब है उनको अलग अलग दिखाए, रिजॉल्व करके दिखाए, तो ये उस इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाएगी? रिजॉल्विंग पावर। अब जो ऑब्जेक्ट के इमेज है, अगर ये अल्फा, जिसे एंगुलर सेपरेशन का नाम दिया, ये जो लेंस में से गुजर के जा रहा है, तो अगर ये अल्फा स्मॉल होगा तो वो जो इमेज बनेंगे वो ओवरलैप कर जाएंगे, यानी जो आपकी डिफ्रेक्शन होगी वो अब उसकी जो सेंट्रल स्पॉट आपका एरी डिस्क है वो ओवरलैपिंग करने लग पड़ेंगी। तो ऐसा डिफ्रेक्शन की वजह से होगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लेंस है उसमें जो डिफ्रेक्शन हो रही है उसकी वजह से।
तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे, अलग अलग नहीं दिखेंगे डायफ्रेक्शन की वजह से। अब जैसे मैंने पहले कहा कि डायफ्रेक्शन पैटर्न में आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ओवरलैप कर जाता है, तो आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये अलग अलग है ये एक ही है। आप जैसे इस इमेज में देख रहे हैं तो अल्फा के लिहाज से ये भी अलग अलग है, जितना अल्फा आपके पास छोटा होता जाएगा सोचो तो ये जो रेज है तकरीबन तकरीबन एक जगह आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे जिससे आप नहीं फर्क कर पाएंगे कि दोनों इमेज अलग अलग है ये एक ही है। तो अब रिजल्ट क्या याद रखना है कि अगर ये जो अल्फा आपको दिख रहा है एंगुलर सेपरेशन ये बड़ा हो किससे, थीटा से। थीटा याद है ना, वो जो आपने पढ़ा था कि ये फर्स्ट जो आपके पास एंगल बना था मिनिमा का, तो अगर उससे बड़ा हो यानी अल्फा 1.22 लैम्डा ओवर डी से बड़ा हो, ये भी तो एंगल ही है ना, तो अगर अल्फा एंगल इस एंगल से बड़ा होगा तो सोर्सेज आपको अलग अलग दिखाई देंगे, यानी दो अलग अलग इमेज आपको दिखाई देंगे। अगर अल्फा छोटा हो गया थीटा से यानी 1.22 लैम्डा ओवर डी से, अल्फा कम होता जाएगा तो ये जो आपके ओवरलैपिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, तो आप नहीं फर्क कर पाएंगे कि ये दो सोर्स है या एक सोर्स से है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेली ने क्राइटेरिया दिया उसने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करना हो तो जो अल्फा है इसे अल्फा सी मैंने लिखा, क्रिटिकल कह लो, क्रिटिकल एंगुलर सेपरेशन का नाम दे लो, ठीक है, या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कह लो, तो उसे ये बात माननी चाहिए। कौन सी बात? कि अल्फा सी को बराबर होना चाहिए 1.22 लैम्डा ओवर डी से। तो याद रखो अगर अल्फा बड़ा होगा 1.22 से तो दोनों आपको अलग अलग दिखाई देंगे, तो अगर उससे छोटा होगा तो फिर वो आपको डिस्टिंग्विश नहीं होंगे। तो लिमिट कम से कम अल्फा कितना होना चाहिए, तो उसने कहा कि अगर आप मिनिमम एंगुलर सेपरेशन ताकि आप उनको अलग अलग देख पाओ तो वो आपके पास 1.22 लैम्डा ओवर डी के बराबर होना चाहिए। अब रिजॉल्विंग पावर आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप इस फार्मूले को समझ रहे हैं तो आप क्या करोगे कि डायमीटर आपके पास क्या है जनाब, अल्फा आपने बराबर लाना है, तो अब आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे डायमीटर को, ठीक है, या आप डिक्रीज करोगे वेवलेंथ को, ठीक है। इन दोनों से क्या होगा, जैसे आपके पास जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट का ओपनिंग डायमीटर, जैसे टेलीस्कोप का ओपनिंग डायमीटर है, तो आपको वो रिजॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी अगर आप जितना बड़ा लेंगे डायमीटर, ठीक है, ताकि आप डिटेल से उस सिंगल ऑब्जेक्ट को देख सके, ताकि रिजॉल्व करके वो दिखा सके, अलग अलग दिखा सके। और अगर आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं फिर आप डायमीटर को छेड़ने की बजाय वेवलेंथ पे आ जाए कि आप वेवलेंथ कम करते जाएं, जितनी वेवलेंथ कम करेंगे आपके पास ये अल्फा का आंसर मिनिमम होता चला जाएगा, तो अब आपके पास क्या होगा कि जनाब फिर आप रिजॉल्विंग पावर इंप्रूव कर पाएंगे। तो आप ऐसा कैसे करते हैं कि विजिबल लाइट की बजाय यूवी लाइट इस्तेमाल कर लो, या इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं जो कि विजिबल लाइट से भी छोटी होती है, जिससे डायफ्रेक्शन के इफेक्ट कम हो जाते हैं। यानी ये सारी बात जो आखिर में लिखी सारे का मतलब क्या है कि अगर कोई आपसे कहे कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स में डायफ्रेक्शन को कम करना है तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, कि अगर आप लेंस का डायमीटर बड़ा कर लें या वेवलेंथ छोटी कर लें, तो ऐसी दोनों सूरतों से डायफ्रेक्शन के इफेक्ट कम हो जाएंगे, आपको वो जो इमेजेस मिलेंगे वो अलग अलग रिजॉल्व मिलेंगे। तो ये जनाब हमारा टॉपिक था, हमने डायफ्रेक्शन थ्रू सर्कुलर अपर्चर देखा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट देखी, और रेली का क्राइटेरिया देखा कि कैसे कम से कम शर्त क्या है कि आप चीजों को रिजॉल्व करके देख पाए। तो वो शर्त हमने पढ़ी कि आपका अल्फा बराबर होना चाहिए 1.22 लैम्डा ओवर डी के। तो ये जनाब हमारा टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।